इस्लामी मसाइल के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सजदा सहव कब वाजिब होता है? सजदा सहव के वजूब के असबाब। नमाज में सजदा सहव वाजिब होने के दर्ज ज़ेल असबाब हैं। उनमें से जब भी कोई सबब पाया जाएगा तो सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। किसी फ़र्ज या वाजिब अमल को अपनी असल जगह से मुकदमा कर देना, मसलन किरात से पहले रुकू कर लिया या सूरह फातिहा से पहले और सूरह मिला ली। किसी फ़र्ज या वाजिब अमल को अपनी असल जगह से मौखर कर देना, मसलन पहली रकात में एक सजदा भूल गया और दूसरी रकात में याद आने पर तीन सजदे कर लिए या सूरह फातिहा सूरत के बाद पढ़ ली। किसी फ़र्द वाजिब का तकरार कर देना, रुकू दोबारा कर लिया या एक रकात में तीन सजदे कर लिए। किसी वाजिब की सिफ्त को बदल देना, मसलन जेरी नमाज में इमाम ने आहिस्ता किरात कर दी या सहरी नमाज में ज़ोर से किरात कर दी तो उस पर सजदा सहव वाजिब होगा। किसी वाजिब को तर्क कर देना, मसलन तशहुद नहीं पढ़ा या सूरह फातिहा छोड़ दी।